हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू किसु किचन। आज हमने बनाया है स्ट्रॉबेरी जैम। स्ट्रॉबेरी एक बहुत ही हेल्दी फ्रूट होता है और यह रिच सोर्स होता है विटामिन सी का। तो हमने आज इसका जैम घर पे ही बनाया है, लेकिन यह आपको खाने में एकदम मार्केट के जैम जैसा ही लगेगा और आप इसे बनाकर एक महीने तक आराम से खा सकते हैं। तो चलिए फिर बना। जैम बनाने के लिए हमने यह लिया है 1 kg स्ट्रॉबेरी, जिसको हमने पहले अच्छे से वाश किया है और पानी को सुखा कर हमने उसको कट कर लिया है। जैम में डालने के लिए हमने इस मेजरिंग कप से लिया है 1 कप गुड़ एंड 1 कप शुगर। आप चाहें तो गुड़ या शुगर की क्वांटिटी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, या फिर चाहें तो केवल शुगर या गुड़ का भी यूज कर सकते हैं। जैम बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे, उसको गैस पे रखेंगे और उसमें डालेंगे स्ट्रॉबेरी। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे गुड़ एंड शुगर। और गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। लो फ्लेम पर हमें इसको 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। और 3 से 4 मिनट के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे हम कुक होने देंगे। और इसको हम चलाते भी रहेंगे। हम इसको बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। जैसे जैसे ये ठीक होते जाएगा, इसका कलर चेंज होते जाएगा। अभी इसमें पानी है, हमें इसको और थोड़ा ठीक करना है। जैम हमारा हो चुका है, आप देख सकते हैं एकदम ठीक हो गया। इसका टेस्ट करने के लिए हम एक प्लेट लेंगे और उसमें थोड़ा सा जैम डालेंगे और प्लेट को तिरछा करेंगे। अगर तिरछा करने पर जैम नीचे की तरफ नहीं लटकता है, इसका मतलब कि जैम परफेक्टली ठीक हुआ है। जैम को रेडी होने में 30 से 40 मिनट तो लग जाता है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको सर्व करेंगे। हमने जैम को ठंडा कर एक ग्लास कंटेनर में रखा। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना चेंज हो चुका है। चलिए हम आपको एक ब्रेड पे लगा कर इसको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ब्रेड पे लगाने पर यह इजली स्प्रेड हो रहा है, मतलब ये मार्केट के जैम की तरह ही है। लेकिन खाने में यह मार्केट के जैम से ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि इसे आपने घर पर बनाया है। आप चाहें तो इसे एयर टाइट कंटेनर में रखकर 1 महीने तक यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ओके, बाय।